टिप तक उसकी जो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस है ट्यूब का वो
आईज में डिफिकल्टी ना हो, कंजक्टिवा आइटा में डिफिकल्टी ना हो। उसके बाद में पूरे प्रोसीजर के दौरान पेशेंट का ऑब्जर्वेशन रखना है। उसके बाद में प्रिलिमिनरी असेसमेंट में हम देखते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं डॉक्टर्स ऑर्डर्स को हम चेक करेंगे, ठीक है, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, और जनरल कंडीशन और डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट देखेंगे, सेल्फ केयर एबिलिटी देखेंगे, फॉलो इंस्ट्रक्शन। उसके बाद में टाइप ड्यूरेशन एंड मेडिकेशन ऑफ इनहेलेशन देखते हैं। उसके बाद में आर्टिकल्स अवेलेबल इन यूनिट, तो ये सब हम चेक करते हैं। उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एंड एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट और पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले पेशेंट को जो प्रोसीजर हम करने वाले हैं वो एक्सप्लेन करना है। पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेशेंट नहीं तो सोचेगा कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, उसके बाद में ताकि उसकी एंग्जाइटी है वो कम कर सके पेशेंट को। उसके बाद में उसको नोट लेटर को इम्पिटी करना है अगर नेसेसरी हो तो, ताकि वो बीच में डिस्टर्बेंस ना हो स्टिम्यूलेशन के दौरान। उसके बाद में बेड पान या फिर ब्रूटिकल्स भी दे सकते हैं बेड रिडन पेशेंट को। उसके बाद में गिव फाउलर पोजिशन, फाउलर पोजिशन देते हैं विद बैक रेस्ट और कार्डिक टेबल या फिर एक्स्ट्रा पिलो की हेल्प से, ठीक है, और क्लोज विंडो डोर्स, ठीक है, वुड फ्रेम्स ऑफ, ठीक है, टू प्रिवेंट जो मतलब अदर बाहर की एयर, इन्वायरमेंट की एयर है उसके जो झोंके आते हैं उसे प्रिवेंट किया जा सकता है।